हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोग के साथ एक न्यू रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है आलू भरोई। इसे मैंने बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक वे में बनाया है, तो चलिए अब इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग आलू लेंगे और ये नया आलू होता है और इसको हम लोग इसका होल करके इसको कुछ इस तरह से बना लेंगे और इसके अंदर का जो भी फीलिंग्स है उसको फेंकना नहीं है, उसको हम लोग रखेंगे। तो हम आपको करके दिखाते हैं। इसे हम स्पून से करेंगे, आप चाहे तो नाइफ भी यूज कर सकते हैं। तो इसे स्पून से हम इस तरह से कुछ करके इसका पहले थोड़ा सर्कल बना लेते हैं एंड इसके अंदर का जो भी पोटैटो है वो हम लोग निकाल के रख लेंगे और बाद में इसके फिलिंग में यूज करेंगे। इसे इस तरह से रोटेट करते हुए निकालना है। इसे इस तरह से निकालना है कि इसके पूरे अंदर डेप्थ तक जाए, बट वो बाहर से मतलब कि होल एकदम बाहर नहीं होना चाहिए। फाइनली हमारा पोटैटो इस तरह से दिखेगा। इसके कहीं से भी साइड से भी ये बाहर नहीं निकला हुआ है, मींस छेदा नहीं हुआ है इसमें, ताकि बिकॉज इसे हम लोग बाद में फिर बॉयल करेंगे। अगर ये छेदा हो जाएगा तो जो भी इसके अंदर हम लोग फिलिंग भरने वाले वो सब बाहर निकल के आ जाएगा। सो इसे इस तरह से ध्यान से एकदम होल करना है। मैं आपको एक और आलू करके दिखाती हूँ। तो ये आपको ऐसा दिखेगा, अंदर से एकदम अच्छे से इसका पूरा जो भी अंदर का पोटैटो है उसे हमने निकाल लिया है। सो इसी तरह से मैंने बाकी सब पोटैटोस का भी कर लिया है एंड अभी हम लोग चलेंगे और आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। सो अभी हम लोग इसका फिलिंग बनाएंगे। फिलिंग के लिए हम लोग यहाँ बॉयल्ड कॉलीफ्लावर्स, बॉयल्ड कैबेज, ग्रीन पीस, तेज पत्ता एंड वो आलू का वो अंदर का फिलिंग। तो हम लोग इसके हेल्प से हम लोग यहाँ पर अभी इसका फिलिंग तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गैस ऑन कर लेते हैं एंड इस पे पैन रख देते हैं। सो जब हम लोग का पैन गर्म हो जाए तब हम लोग उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। 1 टेबलस्पून जीरा एंड 1 बे लीफ। अब हम लोग उसमें ये बॉइल्ड कॉलीफ्लावर्स डाल देते हैं। फ्लेम को हम लोग मीडियम पे रखेंगे एंड इसे हम लोग स्टर कर लेते हैं। अब हम लोग उसमें ये पोटैटोस डाल देंगे। एंड इन्हें अच्छे से स्टर कर लेते हैं। तो इसे हमने 1 मिनट तक रोस्ट किया है एंड अब हम लोग इसमें ये ग्रीन पीस डाल देंगे। सभी को अच्छे से स्टर कर लेते हैं और 5 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। सो अभी हम लोग इसमें ये बॉइल्ड कैबेज लीव्स डाल देंगे। एंड इन सबको अच्छी तरह से एकदम मिक्स करके बीच बीच में भी हम लोग इसे थोड़ा स्टर करते रहेंगे ताकि जो हमारा वेजिटेबल्स है वो नीचे से चिपके ना।
तो अभी हमारे वेजिटेबल्स में यहाँ पे मॉइस्चर है, आप देख सकते हैं कि इसमें अभी बहुत सारे मॉइस्चर है, तो अभी हम फ्लेम को थोड़ा हाई कर लेते हैं एंड इन्हें हमें तब तक भूनना है जब तक इसका सारा मॉइस्चर मसाला डालने से पहले हमें इसका फ्लेम पूरा कम कर लेते हैं। अब हम इसे में सबसे पहले 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर, लास्ट में इसमें नमक हम लोग एज पर टेस्ट डाल देंगे। सभी मसालों को हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अभी इस फिलिंग से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जब इसमें आपको जब इसका पूरा मॉइस्चर खत्म हो जाए सब्जी का, तभी आपको इसमें कोई मसाला ऐड करना है। उसके पहले अगर आप करेंगे तो जो भी आपका मसाला है वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाएगा। एंड अब हम इसे 1 to 2 मिनट्स के बस फ्राई होने देंगे एंड देन हम लोग का फिलिंग जो है वो रेडी हो जाएगा। तो अब हम लोग का ये फिलिंग जो है वो रेडी हो गया है, देख सकते हैं आप। फ्राई होने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा, इसमें से सारे मॉइस्चर निकल जाएंगे। तो अब हम लोग इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो मसाला के लिए हम लोग यहाँ पर 2 मीडियम साइज टोमेटो लेंगे, 2 मीडियम साइज अनियन, 4 to 5 ग्रीन चिलीज, 1 इंच अदरक, 10 to 12 क्लव्स ऑफ गार्लिक, 8 to 10 गोलकी, 1 सिनामोन 1/2 इंच, 5 to 6 क्लव्स, 1 टेबलस्पून जीरा एंड 1 बड़ी इलायची एंड इन सबका हम लोग अब पेस्ट बना लेंगे। तो अब हम लोग का मसाला रेडी हो गया है, अब हम लोग चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। सो मैंने यहाँ पर सारी फिलिंग्स एक प्लेट में निकाल ली है एंड अब हम लोग इसमें जो ग्राइंडेड मसाला था हम लोग का, उससे अब हम लोग यहाँ पे फ्राई करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं 2 टेबलस्पून ऑयल फिर से डालूंगी पैन में, 1 बे लीफ एंड 1 टेबलस्पून जीरा एंड वी विल ऐड द चॉप्ड अनियन। इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे, इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये पूरा रेड टेक्सचर इसमें ना आ जाए। फ्लेम को हम लोग मीडियम ही रखेंगे, ज्यादा हाई पे नहीं करेंगे वरना ये अच्छे से ना भून करके जल जाएंगे। तो अब हम लोग का ये ओनियन जो है वो पूरा रेड हो चुका है एंड अब हम लोग इसमें ये मसाला डाल देंगे। चॉप देम वेल। तो जब आपके मसाले के अंदर से मॉइस्चर निकल जाए तब हम लोग इसमें अब जो सूखा मसाला है उसे डालेंगे। तो सबसे पहले हम फ्लेम को थोड़ा कम कर लेते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले टर्मरिक पाउडर डालेंगे एंड इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब स्वाद अनुसार ये सॉल्ट डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरह से। तो अब हम लोग का ये मसाला भूंज गया है और सबसे लास्ट में हम लोग ये एक छोटी चम्मच दालचीनी पाउडर डाल देंगे एंड इन्हें मिक्स कर लेते हैं। अब हम लोग गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो अब हम लोग पैन में फिर से 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे और ये जो हमारे सारे पोटैटोज थे इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो इसे हम ऐसे ही सिंपली रोस्ट कर लेंगे 2-4 मिनट तक। तो अब हम लोग का ये आलू रोस्ट हो गया है, अब हम लोग इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम लोग इसके ऊपर कुकर चढ़ा देंगे। सो जो हम लोग का यहाँ पर फ्राइड मसाला था इसे हम लोग कुकर में डाल देंगे और इसमें हम लोग अब 2 गिलास पानी भी डाल देंगे और अब हम लोग इसमें पिंच ऑफ बेकिंग सोडा डाल देंगे
एंड अब हम लोग इसे थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को हम लोग थोड़ा मीडियम फ्लेम ही रखेंगे, ज्यादा हाई नहीं रखेंगे। और जब तक हम लोग का ये पानी गर्म हो रहा है तब तक हम लोग यहाँ पर सारे पोटैटोस की फिलिंग भर लेंगे। तो अब हम लोग ये जो फिलिंग है हम लोग का, वो हम लोग आलू में भर लेंगे और इसे अच्छे से एकदम भरना है। पूरे अच्छे से दबा दबा करके चारों तरफ से इसे फिल करना है। ये हम लोग का फिलिंग तैयार हो गया है और इसी तरह से हम लोग अपने बाकी सारे पोटैटोस का भी करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे कुकर में बॉयल होने लगा है पानी। अब हम लोग उसमें ये सारे पोटैटोस जो है वो डाल देंगे एक एक करके। और जो ये फिलिंग बच गया था उसे भी हम लोग डाल देंगे और सीटी लगा देंगे। तो एक सीटी आने के बाद हम लोग फ्लेम को ऑफ कर देंगे। एंड चलिए अब हम लोग खोल के देखते हैं। तो हम लोग का आलू भरोई बनके रेडी हो गया है और इसमें से बहुत अच्छी अरोमा आ रही है। तो इसे गार्निश करने के लिए मैं फ्रेश कोरिएंडर लीव्स ले रही हूँ। एंड आई होप कि आपको आलू की ये सबसे डिफरेंट रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये न्यू रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।